गली तो आप ही करोगी। नो चंदन, क्या वंशु करेगा? चुप रहो, नौनी करेगी, जी। हमारे सोफे ऐसे दिख रहे हैं, देखते हैं साफ होने के बाद कैसे लग रहे हैं। प्री वाला मैंने आपको दिखाया था कि पहले कैसे लग रहे थे, बिफोर, अब ये है आफ्टर। ओ कामरा दी बेटा तू जिंगल आ रहा हूँ, जिंगल आ रहा हूँ। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द अनदर ब्लॉग, सुस्वागतम। आज जैसा कि देख रहे हो मैं बहुत जल्दी जग चुका हूँ, मेरी आंखों में ना सूजन हो रखी है क्योंकि मैं मेरी नींद पूरी नहीं हुई। कारण है हमारी नित्या रानी, क्योंकि इस नित्या रानी को लगने हैं इंजेक्शन, इंजेक्शन लगेंगे इंजेक्शन लगेंगे, फिर ये रोएगी क्योंकि इसको बुखार बुखार भी आ जाता है इंजेक्शन के बाद में ना, है ना बेटा? हाँ बुखार आ जाता है बेटा को। अभी दूध पी नहीं रहे हो आप, है ना, ड्रामेबाजी कर रहे हो। तो अभी बस मैं नहा धो लेता हूँ, जाएंगे इसको इंजेक्शन लगवाने के लिए। और भी बहुत सारे मल्टीपल काम है आजकल, क्योंकि सैलरी आती नहीं, उससे पहले उड़ने का टाइम हो जाता है स्टार्ट। अरे कहना क्या चाहते हो? ठीक है जी, चलो अभी नहा लेते पहले। कोई इंजेक्शन लगेगा बेटा को, ऐसे रोएगा इस गुदी के लिए रो रही है। अच्छा ले रहा हूँ। तो नित्या का तो आज इंजेक्शन लग नहीं पाया, कारण ये था क्योंकि आज तक फ्राइडे, तो मैंने सोचा कि और भी काम है, अगर जग गया हूँ जल्दी तो और भी काम निपटा लेता हूँ। वो काम दिखाता हूँ कि आरओ का ना भैया को मैं दिखाने आया था, इसका ना ओवरफ्लो हो रहा था, थोड़ा सा पानी निकाल लेता, बहुत ज़्यादा पानी वेस्टेज आएगी। तो भैया बोले कि नॉर्मल सी बात है वो, तो लेकिन फिल्टर होता है, मेन होता है, तो ये काला पीला हो गया पूरा, तो ये फिल्टर चेंज होएगा ताकि और थोड़ी सी क्लैरिटी बनी रहे पानी के अंदर, शुद्धता। ठीक है, तो ये चेंज करवा देते हैं भैया से। ये लगाया नया वाला फिल्टर, इसको देखो कंपैरिजन करो, ये वाइट है बिल्कुल, ये पीला हो गया पूरा सही, शुद्धता कहाँ से रहेगी, है ना भैया? और आपके क्या बताओ, अभी इस टाइम पे गर्मी में तो बहुत सारे आ रहे होंगे ना, मतलब कंप्लेंट बहुत ज़्यादा बढ़ जाती होगी ना हर रोज़ की। हाँ, अभी मैंने और डॉक्टर ने, मैंने और विशाखा ने देखा है, कायरोप्रैक्टर होता है जो कि हड्डियाँ चटकाने पटकाने का काम करते हैं। अच्छा तो एक बार मैं वहाँ दिखा के आता हूँ कैसा रहता है, क्योंकि मेरे शोल्डर में और पूरे हाथ में जाम रहता है, थोड़ा सुन्न सा हो जाता है घुटने में। और मेरी बेटी को देखो आप, बस देखो, शी इज फाइटिंग फॉर समथिंग। आज लगाया है, भूतनी बना दी बेटी को क्या बना दिया, ये क्या बना दिया इसको? ओ कामरा दी बेटा तू जिंगल आ रहा हूँ, जिंगल आ रहा हूँ, जिंगल आ रहा हूँ। ओ मोरा, बता मेरी बेटी को क्या बना दिया ये? हाँ बहुत परेशान कर रहे हो सब, हाँ हाँ, मम्मा के पास जाओ, मम्मा के पास जाओ, मम्मा चुप करेगी आपको। कार्टून है, क्या बना दिया इसको? शाका नहीं, दूध पीपा के आलस में है, इसको बस नींद आने वाली, थोड़ी देर में जब सो जाए तभी है, है ना नित्या बेटा? नाराज हो पापा से? नाराज है बेटा कैसी सी है नाराज हो गया मेरा बच्चा पापा से, मुंह मोड़ लिया, नींद आ रही है इसको, नींद नहीं आएगी। तो फिर जो है ना थोड़े गंदे हो रखे थे, तो हमने भैया को बुलाया और ड्रिल ड्राई क्लीनर से, और ये क्या बोलते हैं भैया इसको, वैक्यूम क्लीनर से, और कुछ टैंपो में धोएंगे इसको, इनको साफ कर देंगे, इन पे कवर चढ़वा देंगे ताकि इसकी लाइफ बनी रहे और अच्छे से बने रहे, है ना। ये देखो दिख रहे हैं, देखते हैं साफ होने के बाद कैसे। वैक्यूम क्लीनर से ना थोड़ा जो मिट्टी थी गंदगी थी वो खींच ली भैया ने, अब कर रहे हैं ये सफाई केमिकल लगा के इसकी, इसकी सारी गंदगी मतलब पता चल जाएगी इसमें होगी तो, है अभी जो पाउडर या जो शैम्पू लगाया उसके बाद में खींचते हैं वैक्यूम क्लीनर से। डिफरेंस पता चल जाएगा ये वाला और वो वाला दोनों में, साफ हो गया, पहले हुई थी पफी की, अब हो रही है सूखे वाली, पहले से गंदगी तो निकल रही थी, ये देखो यहाँ पे वाइटनेस देखो, और यहाँ पर देखो हल्का से गंदगी है, यहाँ पे देखो और ये देखो,
अंतर तो आ रहा है, एक बार ये हो जाएगा ना तो उसके बाद कवर चढ़वा देंगे, थोड़ा सेफ रहेगा ये और लाइफ बनी रहेगी। तो इस पर सफाई तो आ गई बेसिकली, अभी ना थोड़ा गीले गीले ना भी है तो इनमें ज़्यादा सफाई समझ में आएगी नहीं फिलहाल, पर फिर भी पहले से तो साफ लग रहे हैं अच्छे खासे, ठीक है। अब जब सूख जाएंगे तो उसके बाद पता चलेगी कि कितना सफाई हुई है कितनी सफाई नहीं हुई है, ठीक है। तो मैं उसको बिफोर एंड आफ्टर वाली फ़ोटो ज़रूर इसमें लगाऊंगा ताकि समझ में आ जाए, और आप लोग चाहें अगर आप कर आपके यहाँ सोफास हैं तो आप भी करवा सको, ठीक है जी। तो अभी फ़िलहाल तो हम कर रहे हैं ऑफिस का काम स्टार्ट, ठीक है जी भाई साहब। और हमारी देखो ये लग पड़ी है, ये मेरे इसने मेरे कपड़े निकाल निकाल के फेंक दिए सारे, कि ये कपड़े काम के हैं गर्मियों में, ये कपड़े नहीं हैं। तो देखो सर मैं बांटूंगा नहीं अपने कपड़े, नहीं दूँगा। लेकिन मुझे तो बहुत ज्यादा साफ लग रहे हैं ये। इन्होंने ना अपने गंदे पैरों से चढ़ चढ़ के सारे सोफों का कर दिया था ना। हाँ, और ये घर में देख रहे हो क्या हाल हो रखा है, पूरा फैला हुआ है घर सिर्फ और सिर्फ इनके कपड़ों की वजह से, मिस्टर पवन चौधरी के कपड़ों की वजह से। और अब हमें सोफे पे कवर चढ़ाना पड़ेगा जल्दी से, क्योंकि वरना ये दोबारा गंदे हो सकते हैं। ये करेंगी गंदे तो आप ही करोगी, नो करेगा। ये देखो सोफे में इसमें बेड में अंदर घुसी पड़ी है, ये ऐसे फेंका हुआ था हराम खोरों ना, और वही चीज़ ढूंढी जहाँ जो चीज़ मिलनी चाहिए थी, और मिल मिला के ऐसे सटाक गायब हुए 15 मिनट के अंदर भाई साहब, सब कुछ ऐसे अस्त व्यस्त कर दिया ना गुड्डू हैं दोनों 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 भाई साहब बहुत स्पीड से चेक किया है भाई। जब देखो मेरी कटोरानी सोई जा रही है, जगी नहीं दे रही, जगा दिया उसको, जगाया जगी अपने आप कैसी कर रही है क्या चल रही है, क्या चल रही है, वक्त निकाल लग रही है, आप ही मलूल लग रही है उससे तो, गजब बेइज्जती है इससे तो, आप ही मलूल लग रही है, मैडम मैडम आप ही की बात कर रहा हूँ मैं। ओ हाय घर का क्या कर रहा है, घर का मैं बर्बाद हो गया। चलो अभी मैं काम करता हूँ ऑफिस का, आप डिस्टर्ब नहीं करना, ठीक है ठीक है। तो यार क्या हुआ, निशा की मम्मी ने ना देखे जहाँ पे नित्या के खिलौने रखे हुए थे तो वो देख रही थी ऐसे ही, और देखा उसमें नीचे टीमक लगी हुई भाई साहब, वो टीमक निकली है नीचे, और जबकि पता है यही है ग्रेनाइट है और सीमेंट वगैरह लगवा रखा, कभी पता नहीं कहाँ से आ गए, और भाई साहब बहुत गंद कर दे गए जो उसके वो थे ना गत्ते वाले सब में टीमक लग गए, ये नित्या के सामान घर और बाकी का पलंग में डाल दिया है। तो भाई साहब बड़ी बुरी हालत कर दी, तो ये दीमक के लिए ना इंतजाम करो, कल करना पड़ेगा, मिट्टी का तेल ला के और छिड़कूंगा सालों में कोनों में जाके पलंग में, ताकि क्या होगा ना दीमक का खतरा थोड़ा सा कम हो जाता है, उससे सेफ भी हो जाता है, तो ठीक है। तो फिलहाल तो यही करा है, और कम से कम 1 घंटे ज़्यादा हो गया, लगे 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 बुरी हालत ख़राब कर दी, पर कोई नहीं फिलहाल राहत है। देखो मेरा बच्चा जग गया नित्या, बेटा है मेरा बेटू जग गया बच्चा, जग गया। और देखो विशाखा ने बनाया डाइट प्लान के अकॉर्डिंग फ्राइड राइस रायता, कैसा लगा आप बताओ। मैंने खा लिया बहुत अच्छा लगा मुझे, तो आपको कैसा लगा था अपना खाना, नमक भाई मजा आया, वाह 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 वाह। तो इसको 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 भी भूख लगाएगी ना, इसको चावल खिला दूंगा तो रहता, हाँ हो गया जो काम कर रहे छी छी करती रहेगी, छी 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 छी, अभी शांत है बस व्याकुल होने वाली भूख के लिए है ना बच्चों। बेटू सुन रही माँ बाहुबली, बाहुबली छोटे बड़े छोटे से बाहुबली खड़े हैं, नित्या क्या करना चाह रहे हो, अभी दूध पी लिया ना इसने तो आराम से मस्ती में, अभी मस्ती के मूड में, मस्ती के मूड में कहाँ देख रहे हो नित्या, क्या पहना दिया इसको, इसका अंडरवेयर वहीं पर पहना देती है इसको, ये क्या ये निक्कर इसका ऊपर चढ़ा के रखती है पेटू के ऊपर, अच्छा तो लगता है नित्यो ताई मम 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 हंस दे
नो रिएक्शन। अरे हाय कोई रिएक्शन नहीं दे रही, गुड्डू क्या कर रहा है? मैं मूवी देख रहा था एक, जिसका नाम है क्रू, जिसका मैंने रिव्यू भी दिया, ट्रेलर का रिव्यू करा था। मूवी का रिव्यू ये है, मूवी वाकई में एंटरटेनिंग है, बहुत अच्छी है, आप बोर नहीं होगे इस मूवी में और आप देखने जरूर जाइए, अच्छी मूवी है। और इसी के साथ मैं इस ब्लॉग को एंड करूंगा। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें। मिलता हूँ कल शाम को 7 बजे, टिल देन बाय बाय।